सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 से सवाई भट्ट का सफर खत्म हो गया है। देश की जनता द्वारा कम वोट पाने की वजह से रविवार के एपिसोड में सवाई भट्ट ने इस शो को अलविदा कह दिया। सवाई के बाहर जाते ही इंडियन आइडल 12 एक बार फिर से लोगों के निशाने पर आ गया है। सोशल मीडिया पर शो को बुरी तरह ट्रोल किया जा रहा है। लोग सवाई भट्ट के एलिमिनेट होने से काफी नाराज हैं और इस शो को बायस्ड बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे लोगों का कहना है कि सन्मुख प्रिया शो में मौजूद हैं और सवाई भट्ट बाहर चले गए। ये पूरी तरह से गलत फैसला है। ये जनता की वोटिंग के आधार पर नहीं किया गया है। वहीं फैंस उत्तराखंड के पवनदीप के बॉटम टू में आने से काफ़ी खफा हैं। लोगों ने ट्वीट के जरिए अलग अलग तरह से अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। देखिए फैंस के ये ट्वीट। सवाई जब शो में ऑडिशन देने आए थे तब उन्होंने अपना परिचय दिया था कि वो राजस्थान के किसी गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। सवाई ने अपने बारे में बताया था कि वो बहुत गरीब परिवार से आते हैं। उनके यहां कठपुतली का काम होता है जो कि अब ज़्यादा चलन में नहीं है। इस वजह से उनकी कोई आमदनी नहीं होती है और वो बहुत गरीब है। सवाई के संघर्ष की कहानी सुनकर हर किसी की आँखें नम हो गई थी। सवाई ने कुछ वक्त पहले शो छोड़ने की भी इच्छा जाहिर की थी क्योंकि उनके घर में आमदनी का मुख्य जरिया वही है और वो पिछले कई महीनों से इंडियन आइडल में हैं। ऐसे में उनका परिवार बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हालांकि जजेस ने उन्हें शो छोड़ने से मना कर दिया था और ये भरोसा दिलाया था कि सब उनके परिवार के साथ है। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट।